स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाओ होम डिलीवरी में आज सभी घरवालों को लगा है जोरदार झटका, क्योंकि उनका युवान युवान नहीं रहा। असल में युवान की स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला कबीर सभी घरवालों के सामने आ गया है, और जिस युवान ने आज तक किसी भी घरवालों से ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज वही कबीर सभी के सामने अपना रुतबा दिखा रहा है और अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है, जिसे देखकर सभी घरवाले हैरान हैं। इतना ही नहीं, कहानी में तो ट्विस्ट है, क्योंकि कबीर पहुंच गया है सभी घरवालों से बची हुई 50% प्रॉपर्टी भी हथियाने के लिए, और इसीलिए वो घरवालों से साइन मांग रहा है। ऐसे में विराज ने साइन करने से मना कर दिया। मैंने सबको बॉन्ड दिया, मैंने सबसे कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा 10 मिनट 45 सेकंड में, तब तक साइन करवा लेना, फिर भी साइन नहीं किया। आप सबको जिम्मेदारी दी थी, बट साइन नहीं किया। लेकिन अब युवान रुकेगा नहीं, और जो रूप बन्नी ने कबीर का देखा है वो रूप अब सभी घरवाले देखेंगे। हक बनता है मेरा प्रॉपर्टी पे, 50% प्रॉपर्टी जो बची हुई थी वो मैं चाहता हूँ मेरे नाम हो, तो मांग लिया। और जो चीज़ मांग के ना मिले उसे छीन के लिया जाता है, तो मांगा हूँ, नहीं दे रहे, छीनूंगा जल्दी। सही कि युवान के मन में तो कुछ नहीं चल रहा है, युवान तो बेचारा है, युवान तो बेचारा मतलब समझदार है, पर दूसरों के लिए भी जीता है। कबीर किसी के लिए नहीं जीता, कबीर सिर्फ अपने लिए जीता है। और अब कबीर चाहता है कि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो, और वो घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो डब्बा टेढ़ा करेगा वो। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे युवान को जो जो चीज़ पसंद आती है, या युवान जहाँ जहाँ छोड़ देता है लोगों को, कबीर कहता है कि नहीं, क्यों छोड़ना, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है और हक से लो। अब अगर आज युवान बोलूँ तो तुलिका को, युवान को तुलिका से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, युवान बन्नी को चाहता है और बन्नी को ही चाहता है, कबीर सिर्फ तुलिका को चाहता है, और कबीर जो चाहता है वो पाता है, तो है वो तुलिका के साथ ही है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कब युवान से कबीर बन जाता है, कब कबीर से युवान बन जाता है, और दोनों ही एकदम विपरीत पर्सनालिटीज़ हैं, तो इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। मैं आपको एक थोड़ा सा स्नीक पीक देता हूँ, सिर्फ आपके चैनल के लिए, मैं बहुत जल्द कबीर बहुत जल्द बन्नी को ज़मीन के नीचे गाड़ने वाला है जिंदा। ये आप एपिसोड्स में देखिएगा, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग होगा आई एम श्योर।